हेलो गाइस, दिस इज विजय फोर्टी के विजय। आज हम बात करने वाले फिर से नए टेक न्यूज़ के बारे में। सेक्शन है इन द न्यूज़, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले न्यूज़ निकल के आती है रेडमी नोट 9 और रेडमी 9 को लेके। तो जल्दी से फ़ोन लॉन्च होने वाले, डेट इसकी बताई जा रही है फेब्रुवरी 13, मतलब 13 फरवरी को ये लॉन्च हो सकते हैं, वैलेंटाइन डे से पहले दिन। तो देखना ये होगा कि ये रेडमी नोट 9 किस प्रोसेसर को लेके आता है, क्योंकि रेडमी नोट नोट 8 जो था वो स्नैपड्रैगन 665 के प्रोसेसर के साथ आया था, 4G को सपोर्ट भी इसको था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये रेडमी नोट 9 कौन से प्रोसेसर के साथ आता है। रूमर से निकल के आ रही है कि रेडमी 9 आने वाला है अपने G70 प्रोसेसर के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से टेक न्यूज़ बन जाती है गाइस। और अगली न्यूज़ निकल के आती है गैलेक्सी Z को लेके, जिसकी तस्वीरें आप माफ़ कीजिएगा, जिसके स्पेसिफिकेशंस आप अभी देख रहे हो। तो ये कहा जा रहा है कि ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस के प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो 5G को डेफिनेटली सपोर्ट करेगा और साथ में आपको मिलने वाला 8GB का रैम, जैसे कि तस्वीर में मैंने आपको बताया था। तो आज के लिए बस इतना है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों को ज़रूर बोल दीजिएगा, अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। See you on the next one.